अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए, हम शहर के हर चौराहे पर समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि करेंगे रोड शो। शहर के सभी धार्मिक और समाज सेवी संस्थाओं के सदस्य करेंगे मुख्यमंत्री का स्वागत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का रोड शो 19 मई को भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की लगाई गई ड्यूटी। विधायक सुभाष सुधा ने कहा है कि शहर में पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 19 मई को शहरवासियों से मिलने के लिए रोड शो में शिरकत करेंगे, इसलिए शहर के सभी चौकों और प्रमुख मार्गों पर समाज सेवी धार्मिक और व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के लिए भाजपा नेताओं और संस्थाओं के प्रतिनिधियों की ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं। वे वीरवार को रोड शो की तैयारियों को लेकर एक निजी संस्थान में भाजपा नेताओं और शहर की सभी धार्मिक सामाजिक व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक को भी संबोधित कर रहे थे। इससे पहले विधायक सुभाष सुधा, भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर, जिला परिषद वाइस चेयरमैन परजीत कश्यप, ब्लॉक समिति के चेयरमैन देवी दयाल शर्मा ने विधिवत रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ कर सभी का स्वागत किया। विधायक सुभाष सुधा ने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 19 मई के रोड शो में भाजपा के सभी नेता और कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। इसके लिए थानेसर हलका के लगभग सभी गांवों और शहरों के वार्डों का दौरा करके लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं को रोड शो के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी पार्षद, पंच, सरपंच, भाजपा नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर इस रोड शो को ऐतिहासिक और यादगार बनाने का काम करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर रोड शो कर रहे हैं। मैं कहूँगा ऐसे 1966 के बाद ईमानदार संत मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश को मिले हैं। मैं दावे से कहूँगा उन्होंने अभी लगभग 3 रोड शो किया है। चौथा रोड शो 19 तारीख को क्षेत्र में आ रहे हैं। ये हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा रोड शो होगा। मैं इस बात की दावा दोबारा में कर रहा हूँ, हरियाणा प्रदेश के अंदर जहाँ रोड शो है, क्षेत्रवासियों के अंदर एक भावना है उनको देखने के लिए। उन्होंने जो विकास कार्य कराए, जो उनका मार्गदर्शन हमें मिला, उसके लिए लोग उनको देखने के लिए सड़कों पे आना चाह रहे हैं। इस रोड के शो के अंदर संत समाज होगा, बहुत सी महिलाएं होंगी, बहुत से युवा पीढ़ी होंगे और बहुत से साथी ये हजारों की तादाद के अंदर लगभग रोड शो। इस रोड शो के लिए हम थीम पार्क में 4 बजे इकट्ठे होंगे। वहाँ से आते हैं मुख्यमंत्री जी को, वहाँ से स्वागत करते हुए वहाँ से लेके जाएंगे बिरला मंदिर चौक पे। बिरला मंदिर चौक के बाद पुराने सिटी के अंदर जाकर उनका शास्त्री मार्केट में स्वागत होगा, आर्या स्कूल मार्केट में स्वागत होगा, उसके बाद सब्जी मंडी में स्वागत होगा, सिकरी चौक पे स्वागत होगा, उससे शायदपुर के बाद छोटा बाजार में स्वागत होगा, उसके बाद वो भी चौक पे स्वागत होगा, पुराने बस स्टैंड के पास स्वागत होगा, उसके बाद आके आपका निर्धारित समाज वहाँ पर उनका स्वागत करेगा, उसके आगे वहाँ पर क्या गीता स्कूल में उनका स्वागत होगा, गीता स्कूल के बाद जाके इस रोड के बाद यहाँ आ जाएंगे वो गोल्ड बैंक सर, गोल्ड बैंक पे भी बहुत बड़ा वहाँ स्वागत द्वार बनाया जा रहा है। उसके बाद परशुराम चौक पे और पशु चौक के बाद जहाँ से हमारी हमने अपना जीवन शुरू किया था इलेक्शन का न्यू क्रोनिक से, वहाँ पर मैंने मुख्यमंत्री से प्रश कर दी, वहाँ पर उनका समापन किया जाएगा। साथ ही रोड शो एक अपने आप में देखने वाला रोड शो, जैसे क्वेश्चन पेपर को लेकर ब्राह्मण जात खप हो रही है उसके बारे में क्या मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में स्पष्टीकरण कर दिया। ब्राह्मण समाज हमारा पूजनीय, हमारा अपना समाज है। अगर इसके बारे में किसी पार्टी के किसी से कोई गलती हो, एज ए विधायक मैं उसे क्षमा पाता हूँ। न्यूज दर्पण 24 के लिए कैमरामैन रजत कुमार के साथ प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।